गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे गॉस के प्रमेय के बारे में। पिछले क्लास में हम आपको पढ़ा रहे थे ठोस कोण और विद्युत फ्लक्स के बारे में कि ठोस कोण क्या होता है और विद्युत फ्लक्स क्या होता है। ठोस कोण और विद्युत फ्लक्स के बारे में हमने आपको पिछले क्लास में बताया था। विद्युत फ्लक्स क्या है? तो विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को कहा जाता है। ठोस कोण के बारे में भी हमने बता दिया था। ठोस कोण का अधिकतम मान 4π होता है। आज हम बात करेंगे गॉस के प्रमेय के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं गॉस के प्रमेय के बारे में। गॉस का प्रमेय बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्जाम में हमेशा पूछता है गॉस का प्रमेय लिखे तथा सत्यापित करे। गॉस का प्रमेय लिखे तथा सत्यापित करे, एग्जाम में ये आपको हमेशा पूछा जाता है। तो हमारा टॉपिक है गॉस का प्रमेय लिखें एवं सत्यापित करें। गॉस का प्रमेय लिखें एवं सत्यापित करें, यानी गॉस का प्रमेय लिखिए और उसको सिद्ध करें। गॉस का प्रमेय लिखें तथा उसको सिद्ध करें। गॉस का प्रमेय होता क्या है और उसको प्रूफ करने की बात कर रहा है। चलिए देखते हैं गॉस के प्रमेय के अनुसार। गॉस के प्रमेय के अनुसार कॉमा किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स बंद सतह के अंदर स्थित कुल आवेश का वन बाई एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स बंद सतह के अंदर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स बंद सतह के अंदर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसमें आपको जो ध्यान देने की बात है वो यही है कि पहला कि बंद सतह होना चाहिए। गॉस का प्रमेय होने के लिए बंद सतह होना जरूरी है। और दूसरा, स्थित आवेश का नहीं कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बंद सतह के अंदर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स बंद सतह के अंदर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। आप देख सकते हैं यह हमारा एक बंद सतह है XY। इसके अंदर में कुल आवेश है Q। XY एक बंद सतह है और इसके अंदर कुल आवेश है Q। माना XY एक बंद सतह दर्शाया गया है। XY एक बंद सतह दर्शाया गया है। इसके अंदर कुल आवेश क्यू है। XY एक बंद सतह दर्शाया गया है। इसके अंदर कुल आवेश क्यू है। XY एक बंद सतह दर्शाया गया है। इसके अंदर कुल आवेश क्यू है। इसलिए कुल फ्लक्स बराबर कुल विद्युत फ्लक्स बराबर 1/ε0 गुना बंद सतह के अंदर स्थित कुल आवेश बंद सतह के अंदर स्थित कुल आवेश कुल विद्युतीय फ्लक्स बराबर 1/ε0 गुना बंद सतह के अंदर स्थित कुल आवेश विद्युत कुल विद्युतीय फ्लक्स बराबर 1/ε0 गुना
बल सतह के अंदर स्थित कुल आवेश है, आवेश नहीं बाद कुल आवेश है। तो फाई बराबर वन बाई एप्सिलॉन नॉट गुना क्यू, बंद सतह के अंदर कुल आवेश कितना है क्यू है, बंद सतह के अंदर स्थित कुल आवेश कितना है तो क्यू है। तो यही हमारा कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान हुआ। किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला, किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स बंद सतह के अंदर स्थित कुल आवेश का वन बाई एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स बंद सतह के अंदर स्थित कुल आवेश का वन बाई एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। माना एक्स वाई एक बंद सतह दर्शाया गया है, इसके अंदर कुल आवेश क्यू है। माना एक्स वाई एक बंद सतह दर्शाया गया है, इसके अंदर कुल आवेश क्यू है। तो कुल विद्युतीय फ्लक्स बराबर वन बाई एप्सिलॉन नॉट गुना बंद सतह के अंदर स्थित कुल आवेश, यानी फाई बराबर वन बाई एप्सिलॉन नॉट गुना में क्यू। यह हमारा गॉस का प्रमेय हुआ। ये क्या है? गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय बहुत ही तो बड़ा खड़ा लिखा गया है, सबसे आसान भाषा है। बंद सतह के अंदर जो भी आवेश होगा, बंद सतह के अंदर में जो भी आवेश होगा उसका वन बाई एप्सिलॉन नॉट गुना कर देना है। बंद सतह के अंदर में जो भी आवेश होगा उसका वन बाई एप्सिलॉन नॉट गुना कर देना है। बंद सतह के अंदर में जो भी आवेश होगा उसका वन बाई एप्सिलॉन नॉट गुना कर देना है। बात खत्म। अब इसी को मुझे प्रूफ करना है, इसी का सत्यापन करना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। नोट्स जो है वीडियो देखकर नहीं बनाइए, नोट्स आप कोशिश करिए कि वीडियो देखकर नहीं बनाया जाए। सत्यापन देखिए इसका, इसका प्रूफ हम लोग देते हैं। इसका प्रूफ क्या होगा? इसका प्रूफ के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये हमने डायग्राम बनाया एक्स वाई, इसके अंदर में कोई बिंदु सी है जहां आवेश है प्लस क्यू, इसके अंदर में कोई बिंदु सी है जहां आवेश है प्लस क्यू, सी से आर दूरी पर, सी से आर दूरी पर सतह पर कोई बिंदु ओ है, सी से आर दूरी पर सतह पर कोई बिंदु ओ है जहां विद्युत तीव्रता ई है, और चूंकि धन आवेश है तो धन आवेश के कारण विद्युत तीव्रता की दिशा विकर्षण होता है। धन आवेश के कारण विद्युत तीव्रता की दिशा विकर्षण होता है। चूंकि सी पर धन आवेश है, सी पर धन आवेश है तो धन आवेश के कारण विद्युत तीव्रता की दिशा विकर्षण हुआ, धक्का दिया अपने से दूर। सी पर धन आवेश है, धन आवेश के कारण विद्युत तीव्रता की दिशा विकर्षण होगा, धक्का देगा अपने से दूर, तो उधर धक्का दे दिया। सी से आर दूरी पर सतह पर कोई बिंदु ओ है जहां विद्युत तीव्रता ई है, विद्युत तीव्रता की दिशा बाहर की तरफ है क्योंकि धन आवेश है। बिंदु ओ से गुजरता हुआ एक्स वाई का एक छोटा सा टुकड़ा, एक्स वाई का एक छोटा सा टुकड़ा सी डी काटा। बिंदु ओ से गुजरता हुआ एक्स वाई का एक छोटा सा टुकड़ा सी डी काटा। ओ से गुजरता हुआ एक्स वाई का एक छोटा सा टुकड़ा सी डी काटा। तो सी डी चूंकि थ्री डी फिगर है, बाल थ्री डी फिगर रेखा पर मत जाइएगा, ये थ्री डी फिगर है, इस तरह का ये थ्री डी फिगर है, ऐसा ये थ्री डी फिगर है। तो इसी का छोटा सा टुकड़ा सी डी का ही काट लिए हुए है। तो सी डी हमने छोटा सा टुकड़ा काट लिया, तो सी डी जब छोटा सा टुकड़ा काट लिया तो सी डी की दिशा जो होगी किधर होगी, तो सतह के लंबवत होगी। तो सी डी पर हमने लंब डाला है, सी डी पर हमने लंब डाला, सी डी पर हमने लंब डाला, सी डी पर हमने लंब डाला है। सी डी पर लंब किधर हुआ, तो इधर हुआ बहादुर, ये सी डी पर लंब हमारा इधर हुआ, सी डी पर लंब इधर हुआ। सी डी पर जब हमने लंब डाला तो ये हमारा इधर है, क्षेत्रफल की दिशा इधर हो गई। क्षेत्रफल की दिशा जब भी होगी सतह के लंबवत होगी, क्षेत्रफल की दिशा जब भी होगी सतह के लंबवत होगी। तो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण थीटा है। विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश
के बीच का कोण थीटा है, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण थीटा है, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण थीटा है। एक बार फिर समझते हैं डायग्राम से। चित्र में एक्स वाई एक बंद सतह दर्शाया गया है। देखिए चित्र में एक्स वाई एक बंद सतह दर्शाया गया है। चित्र में एक्स वाई एक बंद सतह दर्शाया गया है। इसके अंदर कोई बिंदु C है। इसके अंदर कोई बिंदु C है जहां प्लस Q आवेश रखा गया है। एकदम डायग्राम देख देख के समझिएगा। चित्र में एक्स वाई एक बंद सतह दर्शाया गया है जिसके अंदर कोई बिंदु C है जहां प्लस Q आवेश रखा गया है। C से R दूरी पर सतह पर कोई बिंदु O है। C से R दूरी पर सतह पर कोई बिंदु O है जहां विद्युत तीव्रता कैपिटल E है। C से R दूरी पर सतह पर कोई बिंदु O है जहां विद्युत तीव्रता E है। आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता की दिशा होता है 1/4πε0 गुना आवेश बटा दूरी का स्क्वायर। आवेश हो गया Q, दूरी हो गया R, तो दूरी का स्क्वायर। अब बात आती है दिशा की, तो धन आवेश है तो विकर्षण होगा, धक्का देगा अपने से दूर, तो C से O की तरफ उधर धक्का दे दिया। C पर प्लस Q आवेश है, प्लस Q आवेश के कारण R दूरी पर कोई बिंदु O है जहां विद्युत तीव्रता E है। विद्युत तीव्रता की दिशा धन आवेश है तो विकर्षण होगा अपने से दूर होगा। विद्युत तीव्रता की दिशा धन आवेश है तो विकर्षण होगा अपने से दूर होगा, तो सी से ओ की तरफ। बिंदु ओ से गुजरता हुआ सी एक्स वाई का बिंदुओं से गुजरता हुआ एक्स वाई का एक अत्यंत छोटा भाग बिंदुओं से गुजरता हुआ एक्स वाई का एक अत्यंत छोटा भाग सी डी काटा। बिंदुओं से गुजरता हुआ एक्स वाई का एक बहुत ही छोटा सा भाग सी डी काटा। एक्स वाई का एक बहुत ही छोटा सा भाग सी डी काटा जिसका क्षेत्रफल डीए है। क्षेत्रफल डीए की दिशा सीडी के लंबवत है। क्षेत्रफल डीए की दिशा सीडी के लंबवत है। विद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण थीटा है। यदि सीडी से गुजरने वाला फ्लक्स डी फाई हो तो, चलिए बोर्ड पर देखिए ध्यान से फिर से क्या कह रहा है। चित्र में एक्स वाई एक बंद सतह दर्शाया गया है जैसा कि आपको दिख रहा होगा, जिसके अंदर कोई बिंदु सी है दिख रहा है आपको, जहां प्लस क्यू आवेश रखा गया है। सी से आर दूरी पर सतह पर कोई बिंदु ओ है। जहां विद्युत तीव्रता ई है। विद्युत तीव्रता चूंकि धन आवेश है
धन आविष्कार में जो तीव्रता का जैसा विकर्षण होगा, धाका देगा अपने से दूर तो उधर धाका दे दिया, तो E बराबर 1/4 pi epsilon naught into Q by r square कहां से आया, तो आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का सूत्र है। आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का सूत्र है। बिंदुओं से गुजरता हुआ xy का एक अत्यंत छोटा सा भाग CD काटा, xy का एक छोटा सा टुकड़ा CD काटा जिसका क्षेत्रफल dA है, और क्षेत्रफल की दिशा सतह के लंबवत होती है, तो हमने इस पर लंब डाला तो इधर हुआ। विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण थीटा है। यदि CD से गुजरने वाला फ्लक्स डी फाई हो तो, देखिए तो सीडी से गुजरने वाला फ्लक्स डी फाई हो तो डी फाई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा। समीकरण एक से ई का मान बैठाइए 1/4 pi epsilon naught into Q/r² इंटू डी ए कॉस थीटा। डी फाई बराबर 1/4 pi epsilon naught into Q/r² into dA cos थीटा। डी फाई बराबर Q/4 pi epsilon naught into dA cos थीटा बटा r² आप लोग मत करिएगा ऐसा, आप शायद जानते होंगे ये ठोस कोण का सूत्र है। ये किसका सूत्र है? ठोस कोण का सूत्र है बहादुर, ये ठोस कोण का सूत्र है। ये जो आप देख रहे हैं ये ठोस कोण का सूत्र है, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं डी फाई बराबर Q/4 pi epsilon naught into d ओमेगा। डी ओमेगा कहां से आया? तो डी ए कॉस थीटा बटा में r² की जगह पर आया है, और यह है क्या? ठोस कोण। ये क्या है? ठोस कोण। यह हमारा CD से गुजरने वाला है, अत्यंत छोटा सा क्षेत्रफल CD से गुजरने वाला फ्लक्स है। अत्यंत छोटा सा क्षेत्रफल CD से गुजरने वाला फ्लक्स है। चूंकि CD, चूंकि XY CD जैसे अनेक छोटे छोटे, चूंकि XY CD जैसे अनेक छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना है, चूंकि XY CD जैसे अनेक छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना है, इसलिए XY से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स, XY से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स बराबर फाई बराबर Q/4 pi epsilon naught into d ओमेगा। यह हमारा सरफेस है यानी कुल सतह हो गया। सर आप जानते होंगे बहादुर, CD हमारा क्षेत्रफल है तो अंदर में आवेश Q है, तो क्या टोटल क्षेत्रफल लेंगे तो आवेश बदलेगा? CD के लिए आवेश Q है तो सबके लिए आवेश तो QA होगा, यानी Q हमारा कांस्टेंट है। Q क्या है? कांस्टेंट है। अब 4 pi epsilon naught तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, नंबर है वो, तो d ओमेगा पढ़ा चुके हैं हम आपको पिछला क्लास में। डी ओमेगा क्या है? ठोस कोण, और ठोस कोण का अधिकतम मान कितना होता है? 4 pi होता है। ठोस कोण का अधिकतम मान 4 pi होता है। चूंकि ठोस कोण का अधिकतम मान 4 pi होता है, ठोस कोण का अधिकतम मान 4 pi होता है, इसलिए फाई बराबर Q/4 pi epsilon naught into 4 pi
फोर पाई से फोर पाई कटेगा, फोर पाई से फोर पाई कटेगा, तो फाइव बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, या इसलिए लिख सकते हैं फाइव बराबर वन बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। यही हमारा गॉस का प्रमेय सिद्ध करना था, यही हमारा गॉस का प्रमेय है। चलेगा शुरू समझते हैं फिर से। देखिए गॉस का प्रमेय लिखे और सत्यापित करें। गॉस का प्रमेय कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स बंद सतह का अंदर स्थित कुल आवेश का, आवेश का नहीं कुल आवेश का वन बाई एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। एक्स वाई एक बंद सतह है, इसके अंदर में कोई आवेश क्यू है, कुल आवेश क्यू है, तो कुल विद्युतीय फ्लक्स बराबर वन बाई एप्सिलॉन नॉट गुना बंद सतह के अंदर स्थित कुल आवेश। तो फाइव बराबर वन बाई एप्सिलॉन नॉट और कुल आवेश है क्यू, तो हमारा ये क्यू हो गया, गॉस का प्रमेय हो गया। अब हम इसके प्रूफ की बात करें तो ये एक बंद सतह है जिसके अंदर में कोई बिंदु सी है, सी पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है, सी से आर दूरी पर सतह पर कोई बिंदु ओ है जहां विद्युत तीव्रता ई है। विद्युत तीव्रता की दिशा इधर क्यों हुआ, क्योंकि धन आवेश है, धन आवेश का विद्युत तीव्रता की दिशा विकर्षण होता है। सी डी एक छोटा सा टुकड़ा काटा जिसका क्षेत्रफल डी ए है और सी डी की दिशा सतह के लंबवत होती है, यानी क्षेत्रफल सदिश की दिशा सतह के लंबवत होती है, तो सी डी पर लॉन्ग डाला तो इधर आया, इसीलिए क्षेत्रफल इधर हुआ। तो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच का कोण कितना है, थीटा है। विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच का कोण कितना है, तो थीटा है। तो डी फाइव बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा। ई का मान यह है हम समीकरण एक से यहां से इसमें बैठा दिए, क्यू को इधर लेके आ गए, डी ए कॉस थीटा यहां हुआ, डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर ठोस कोण का सूत्र है जो कि हम पढ़ा चुके हैं, तो इतना हुआ। ठोस कोण का अधिकतम मान चार पाई होता है, ठोस कोण का अधिकतम मान चार पाई होता है, तो यहां पर ठोस कोण का अधिकतम मान चार पाई बैठा दिए, हमारा कट के आंसर उतना आ गया। अब बहादुर ये आप जो देख रहे होंगे ये सीडी से गुजरने वाला फ्लक्स है, किससे गुजरने वाला, सीडी से, और ये जो आप देख रहे हैं एक्स वाई, सीडी जैसे हजारों लाखों टुकड़ों से मिलकर बना है, ये सीडी से गुजरने वाला फ्लक्स है और हमें ये टोटल निकालना है, तो टोटल जो है सीडी जैसे हजारों टुकड़ों से मिलकर के बना है, सीडी जैसे हजारों लाखों टुकड़ों से मिलकर के एक्स वाई हमारा बना है, इसलिए टोटल फ्लक्स में समाकलन ले लिए, क्यू वाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट हुआ, डी ओ मेगा अंदर आ गया, ठोस कोण का अधिकतम मान फोर पाई होता है, तो फोर पाई बैठा दिए कट गया, आंसर आ गया। इसको आसान भाषा में याद किया जाए तो कैसे याद होगा, ये तो पढ़ाने की बात हो गई, केवल याद करना होगा तो डी फाइव बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा, ई का वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा, क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। सर आप जानते होंगे डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर ठोस कोण होता है और ठोस कोण का अधिकतम मान फोर पाई होता है, फोर पाई से फोर पाई कटेगा तो यह हो गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट यानी वन बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। देखिये यही हमारा गॉस का प्रमेय सिद्ध करना था, जो उत्तराधार कथा कहानी बनाकर लिखे हुए हैं वो इसलिए कि आपको एग्जाम में लिखना है, नहीं तो समझने वाली बात करें तो केवल यही चार लाइन है, एक सूत्र, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये कैलकुलेट करके आंसर आ गया। यदि इसमें कोई भी सवाल आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आया हो, कोई डाउट हो, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके सवाल कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आया हो, तो आप इस नंबर पर मैसेज करके सवाल कर सकते हैं। आज के इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद भारत।